नमस्कार, मैं संजय और आप इस वक्त देख रहे हैं दीनबंधु मंच से यह सीधा प्रसारण। और यह विशेष प्रसारण हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज 3 दिवसीय पश्चिम बंग हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रीय हिंदी नाट्य उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका आज 3 दिवसीय नाट्य उत्सव का आज समापन दिवस है। और मैं आपको यह कहने मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि इस 3 दिवसीय नाट्य उत्सव में आज मैंने भी 1 घंटे का पूरा एक नाटक देखा, जिसका मंचन उमा जी द्वारा किया गया था और उनकी टीम द्वारा। और मैं सही मायने में कहूँ तो जो भीड़ थी, जो दर्शक थे, वह पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उन्होंने इस नाटक के अंदर अपने आप को पूरी तरह से समाहित पाया है। और आज हमारे साथ पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के सदस्य दिलीप दुगर जी हैं। मैं पूछना चाहूँगा उनसे कि उनका क्या कहना इस पूरे आयोजन के बारे में। दिलीप जी नमस्कार। धन्यवाद संजय जी। पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी द्वारा पहली बार सिलीगुड़ी में राष्ट्रीय स्तर का नाट्य उत्सव का आयोजन किया गया और हमें खुशी है कि पूरे उत्तर बंगाल के सुधी दर्शकों ने इस 3 दिन तक इतना आनंद लिया। आज जो प्रस्तुति थी कबीरा खड़ा बाजार में, ये मशहूर रंगकर्मी अजहर आलम जी की प्रस्तुति थी। और आज लगा कि हम कहीं ना कहीं उस पुराने युग में पहुंच गए हैं, भीड़ भाड़ से दूर और नाटकों की दुनिया में खो गए हैं। इन 3 दिनों तक संजय जी पूरा दीनबंधु मंच खचाखच भरा रहा और मैं इसके लिए पूरे उत्तर बंगाल के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के चेयरमैन विवेक गुप्ता और कला संकाय की जो हमारी प्रमुख है उमा झुंझुनवाला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद दिलीप जी, आपने जो बताया, और साथ ही हम भी आपका धन्यवाद देना चाहते हैं पश्चिम बंग हिंदी अकादमी का, जिन्होंने इस अवसर में हमें सम्मिलित होने का एक अवसर दिया। और वाकई में आज जो भीड़ देखने को मिली, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं जो दर्शक अभी फ़िलहाल इस नाटक का आनंद उठाकर जा रहे हैं, उनसे भी मैं कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। हमारे साथ कुछ मानव उपस्थित हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम बताएं। डॉक्टर मुन्ना लाल प्रसाद। मुन्ना जी, मैं जानना चाहूँगा, आप भी अभी फ़िलहाल आपने भी अभी कबीरा खड़ा बाजार में जो नाटक का मंचन हुआ था उसको आपने देखा है, और पूरा ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, प्रथम जो राष्ट्रीय हिंदी नाट्य उत्सव हुआ है, इसके बारे में और इससे कितना लाभान्वित हो रहा है अपना हमारा जो उत्तर बंगाल का या सिलीगुड़ी के जो हिंदी भाषी है उनको कितना कनेक्ट मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वास्तव में आज जो स्थिति है, जो समय का दौर चल रहा है, उसमें इसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि नाटक के माध्यम से लोगों के अंदर जो जागृति पैदा होती है वह बहुत ही उत्साह देता है और समाज से जुड़ता है नाटक के माध्यम से आदमी। हमारी कला क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और चाहे जो आज धर्म के नाम पर विभिन्न समस्याएं पैदा हो रही है, राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसका समाधान अगर खोजा जाए तो वह नाटक ही है। नाटक के माध्यम से आसानी से इसका समाधान हो सकता है। जनता को समझाने का बहुत ही सहज रास्ता है नाटक। और यह तो आप देखें 3 दिन का उत्सव, लगा कि सिलीगुड़ी में एक जागृति आ गई है लोगों में, जिस तरह से आगमन लोगों का हुआ इस तरह की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और ऐसे में घरों से लोग निकल कर आए, और उनका उत्साह देखने के बाद लगता है कि जो यह अकादमी है हिंदी अकादमी, इसके मतलब जितनी इसकी बुरी प्रशंसा की जाए वह कम है। और यही नहीं बल्कि कलाकारों को सम्मानित करना कि कलाकार यहाँ और पैदा हो, उपस्थित हो और कला का और विकास हो, यह अकादमी काम जो कर रही है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही सराहनीय का। मुन्ना जी ने बहुत बेहतरीन बात कही इन्होंने जो बताया, और वाकई हमने आज इसको देखा है कि आज दीनबंधु मंच पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। और यह मेरे अनुसार, मेरी जो भी स्मृति है आज तक की, उसमें मुझे लगता है कि पहला अवसर है जिसमें इतनी बड़ी भीड़ जुटा पाया है हिंदी, तो हिंदी भाषियों के लिए मुझे लगता है कि ये बेहतरीन अवसर है। और मैं दोबारा एक बार दिलीप जी से जुड़ना चाहूँगा। नमस्कार दिलीप जी, मैं दोबारा आपसे
यह पूछना चाहूँगा, क्या इस तरह के कार्यक्रम अब लगातार होंगे? क्योंकि ये एक बड़ा अवसर आपने दे दिया और एक लालच भी हिंदी भाषियों के मन में दे दिया है। जिस तरह की आज भीड़ देखी गई है, वह मेरे हिसाब से तो मैंने पहली बार देखी है हिंदी भाषियों में। नहीं, ये संजय जी आपने सही कहा कि हम लोग पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी हिंदी के प्रचार प्रसार में व्यापक तौर पर कार्य कर रही है, और हमारी अकादमी की अभी बैठक भी सिलीगुड़ी में हुई थी, और हम लोगों ने तय किया है कि आगामी दिनों में ये नाट्य उत्सव फिर सिलीगुड़ी में होगा। इसके बाद ये नाट्य उत्सव 7 और 9 मार्च को कोलकाता में और 18 और 19 मार्च को आसनसोल में होगा। आप मान लीजिए कि अकादमी के कार्यों को कितना ज़्यादा बल मिलता है कि जब सिलीगुड़ी से हमने इस नाट्य उत्सव का आरंभ किया है। पर ये आप आश्वस्त रहिए कि बहुत जल्द ही हम दूसरा नाट्य उत्सव लेकर बहुत जल्द ही सिलीगुड़ी आएंगे। धन्यवाद दिलीप जी। हमारे साथ अजय जी भी हैं, अजय साहू भी हैं। मैं जानना चाहूँगा इनसे इस पूरी सफलता के बारे में और यह जो आयोजन आज हुआ है, यह आयोजन के बारे में कि कितना आपने कैसे सोचा और कितना ज़्यादा सफल आप मानते हैं। वैसे दर्शकों की भीड़ ने तो इसे सफल बता ही दिया है, आपके अनुसार कितना आप सफल मान रहे हैं? मैं समझता हूँ कि नाटक की सफलता उसके सही ढंग से मंचन में है, लेकिन यदि नाटक को देखकर हमारे दर्शक अपने जीवन को देखने का एक नज़रिया प्राप्त करते हैं तो इसी में इसकी सार्थकता है। और जिस तरह से नाटक के दौरान अभिनय और अभिनय के दौरान जो संदेश दिए जा रहे थे, उस संदेश के जवाब में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी, इससे पता चलता है कि हमारे सिलीगुड़ी के जो दर्शक हैं, हमारे साहित्य प्रेमी हों या संस्कृति प्रेमी हों, वे बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे कि आखिर ऐसे नाटकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और रही बात आयोजन की सफलता को लेकर, तो मैं समझता हूँ कि हम टीम बनाकर अपने विद्यार्थियों के साथ, जिसमें हमारे विद्यार्थी जो आज शिक्षक हैं अरविंद शाह हैं, जिसमें काजल दास है, सूर्यमणि ठाकुर है, पूजा पासवान है, नेहा मजुमदार है, दीप नारायण शाह है, ऐसे तमाम विद्यार्थियों की एक टीम बनाकर हमारे साथ दलखोला कॉलेज अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मजीद मियाँ रहे हैं, हमारे साथ दिलीप दुगर जी रहे हैं, हमारे साथ ओम प्रकाश पांडे जी रहे हैं, हमने मिलकर ऐसा प्रयास किया कि हम हर स्कूल, हर मोहल्ले, हर विश्वविद्यालय संस्थान हो या समूह हो छोटे छोटे या नाट्य संस्थाएँ हैं, वहाँ तक पहुँचें और अपने इस पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के द्वारा यह जो प्रथम राष्ट्रीय हिंदी नाट्य उत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है, उसके संदेश को पहुँचाएँ, लोग जानें। जब तक जानेंगे नहीं तब तक जागरूक नहीं होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि नाटक के जरिए एक नज़रिया विकसित करने का आंदोलन पश्चिम बंग हिंदी अकादमी ने छेड़ा है, और इसमें सिलीगुड़ी के हमारे जो साथी हैं, जो दर्शक के रूप में हमारे साथ रहे, उनको तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने नाटक के सफल मंचन को सार्थक बनाया। धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी का। हमारे साथ हिंदी अकादमी के एक और सदस्य भी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? जी, डॉक्टर मजीद मियाँ। डॉक्टर साहब, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आप कुछ टिप्पणी अपनी तरफ से अगर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, तो आप बताइए। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सिलीगुड़ी के दर्शक ने हम लोगों का बहुत ही साथ दिया। बहुत से जगहों में देखा जाता है कि नाटक का मंचन तो होता है पर दर्शक जुटा नहीं पाते हैं, मगर खासकर हमारे सिलीगुड़ी वासी जो कि कला प्रेमी है, यहाँ हमारा तथ्य केंद्र दर्शकों से पूरा भर गया था। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे सिलीगुड़ी वासी आपका बहुत ही धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही कार्यक्रम हम आयोजित करते रहे आप लोगों के लिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी पश्चिम बंग हिंदी अकादमी द्वारा यह आश्वस्त किया गया है हमें, इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे, तो इससे हिंदी भाषियों के अंदर भी एक नई चाहत जगेगी और जगी है, और हमें आशा भी है कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे और यहाँ के जो स्थानीय जो कलाकार हैं उन्हें भी अवसर मिलता रहेगा। तो धन्यवाद। आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय।